मित्रों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिनका कार्यकाल अत्यंत ही यशस्वी रहा, भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज 137वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे, आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए। और यही कारण था कि आजादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान लगातार किए गए संघर्षों के लिए उन्हें स्वतंत्र भारत में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुरुत्वर दायित्व उनके ऊपर सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आजादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने के उपरांत प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी